नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती 2024 की बात करेंगे जो कल से शुरू हो रही है। कल पहले दिन का परीक्षा है और आज टेलीग्राम पे पेपर बेचने की न्यूज आ चुकी है, वायरल हो गई ये न्यूज। और क्या पेपर फिर से लीक हो गया, इन सब पे चर्चा करेंगे। इसके बीच में ही आप देख सकते हैं कि खाकी वर्दी पहनने के लिए बेताब महिला शक्ति, एक पद पर 125 महिलाएं दावेदार हो रही हैं। पूरे भारत से लोग पुलिस बनने के लिए आवेदन किए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड को सिपाही सीधी भर्ती के लिए 48 लाख आवेदन मिले हैं। सिपाही के एक पद के लिए करीब 83 कैंडिडेट दावेदार हैं। एक पोस्ट पे 83 कैंडिडेट हैं। अगर हम बात करें केवल महिला पुलिस की तो यहाँ पे 15 लाख छात्राओं ने आवेदन किया है महिला पुलिस के लिए, और 35 लाख पुरुष छात्रों ने आवेदन किया है। महिला सिपाही के एक पद के लिए 125 दावेदार हैं यहाँ पे। देश भर में यदि पुलिस बल जो है उसमें महिला और पुलिस कर्मियों के अनुपात पर बात करें तो बिहार पहले स्थान पर है, जहां महिलाएं सबसे ज़्यादा पुलिस में हैं। यूपी में वर्तमान में करीब 12% महिलाएं पुलिस में हैं। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण का नियम लागू किया गया है, जिसके तहत 12,000 महिलाओं को खाकी वर्दी पहनने का मौका मिलेगा। इससे प्रदेश में महिला पुलिस की संख्या 50,000 तक पहुंच जाएगी। वहीं भर्तियों के बाद यूपी पुलिस बल में महिलाओं का अनुपात भी बढ़ जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद प्रदेश पुलिस में महिलाओं का अनुपात करीब 12% से बढ़कर 15% हो जाएगा, जो कि अभी 12% है, ये 15% हो जाएगा। वहीं पीएससी में 3 महिला वाहिनियों के लिए होने वाली भर्ती के बाद यह अनुपात 20% हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल में महिला शक्ति शामिल होने के लिए बेताब है। सिपाही बनकर खाकी पहनने के लिए 15 लाख महिलाओं ने रुचि दिखाई है। 12,000 का इसमें चयन होना है और इनकी टोटल संख्या जो है 50,000 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में पुलिस में 37,000 महिलाएं कार्यरत हैं, 35,000 नागरिक पुलिस में हैं और 2,000 पीएससी में हैं। ओवरऑल बात करें तो पुलिस भर्ती में करीब 48 लाख आवेदन मिले हैं और एक पद पे 83 दावेदार हो रहे हैं, जबकि महिलाओं की दावेदारी 125 हो रही है एक पद पे। बिहार भारत में महिलाओं के अनुपात में पुलिस बल में सबसे आगे है। यहाँ पर महिला सिपाहियों की संख्या जो है 25.3% है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 19.2% और तमिलनाडु में 18.5% महिला पुलिसकर्मी हैं। पिछले कई वर्षों से प्रदेश पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के लटकने से इसे पूरा नहीं किया जा सका। अब जब यह भर्ती हो रही है तो इस बीच में एक और बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। यह न्यूज है कि पेपर लीक होने का। पिछली बार पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया था, इसलिए इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था। इस बार 4 अलग अलग एजेंसी को दिया गया है पेपर छापने से लेकर रिजल्ट घोषित करने तक का काम। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है और व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस बार पेपर लीक होना संभव नहीं है और ना ही किसी प्रकार की नकल इसमें हो सकती है। 20,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों पर पुलिस की नज़र है। इस बीच में न्यूज आ रही है कि यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है। टेलीग्राम से मांगे गए पैसे और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। टेलीग्राम पर 2 चैनल बनाए गए जिनके जरिए फर्जी तरीके से सॉल्व पेपर दिए जाने के बदले रुपयों की मांग की गई। यह जानकारी सामने आने पर लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में पुलिस एवं भर्ती बोर्ड में तैनात
इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का की जो ये भर्ती है, अब कल से ही ये पता चल जाएगा कि इस बार की पुलिस भर्ती किस प्रकार हुई। कल जो पेपर होगा उसका एनालिसिस किया जाएगा सीपी स्मार्ट क्लासेस पे, और उसके बाद आपको कट ऑफ वगैरह के बारे में बताया जाएगा। आगे आने वाले समय में जिन बच्चों की परीक्षा होनी है उनको एक अनुमान लग जाएगा कि आखिर पेपर किस तरह से आ रहा है कल का पेपर होने के बाद। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।